वेलकम टू डेली ट्रिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फिक्स ए वो टीवी स्टैंड। तो टीवी स्टैंड को टेबल टीवी स्टैंड जो होती है टेबल में आप उसको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो उसमें देखिए एलईडी टीवी के जो आते हैं उसमें क्या होता है कि दो तरफ की स्टैंड होती है, एक आपको वॉल माउंट होती है और एक क्या होती है टेबल में आप स्टैंड। तो मैक्सिमम लोग जो है वॉल माउंट पे यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे उसको टेबल में स्टैंड में यूज कर सकते। हालांकि मेरा क्या हुआ कि मदरबोर्ड जो मॉनिटर था वो थोड़ा ख़राब हो गया, अब मैं टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करूँगा। उसमें मैं कैसे क्या करूँगा उसमें आपको बताने वाला हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से वीडियो के लिए। अब देखिए मेरे पास दो स्टैंड है, उसमें आपको देखिएगा जरूर दिखेगा उसमें ए और बी लिखा होगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। अभी देखिए मैंने उसको ओपन किया हूँ, उसमें देखिए ए वाला एक हिस्सा है और एक वाला बी वाला हिस्सा है। टीवी को जो भी आपको वॉल माउंट से होगा तो उसको आप पहले ओपन कर लीजिए, ओपन करके उसको एक सॉफ्ट प्लेस में रख लीजिए। अब देखिए ए वाला मैंने आपको दिखा लिया और देखिए बी वाला मैंने दिखा लिया। उसको लगाने से पहले उसमें एक दो स्क्रू होनी चाहिए, दो स्क्रू और एक स्क्रू ड्राइवर को आपको जुगाड़ करना पड़ेगा और वहाँ से आप जहाँ से रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। और उसको देखिए दो स्क्रू को मैंने ले लिया हूँ। अब देखिए आपके सामने ही होगा दो स्क्रू और देखिए स्क्रू ड्राइवर मैंने आपको दिखाया। ये तीनों चीज़ की आपको ज़रूरत है और टीवी को आपको चाहिए। अब देखिए मैं टीवी आपके सामने लेके आता हूँ। अब देखिए टीवी को मैंने उल्टा करके रखा हूँ, तो टीवी को जब आप रखोगे तो थोड़ा प्लेन सरफेस में रखना, जबकि सॉफ्ट सरफेस में हो हार्ड सरफेस में रख मत रखना। टीवी का जो मैनुअल है उसमें लिखा गया है कि टीवी को उल्टा मत करो नहीं तो आपका डिस्प्ले खराब होने का चांसेस है, जबकि आपकी इसमें कि आपको सॉफ्ट के ऊपर आप रख सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से आपको बेड के ऊपर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ा सा एक कपड़ा देके मैंने उसको रखा है। उसको ज़्यादा प्रेस मत कीजिए नहीं तो ख़राब होने का चांसेस है। वहाँ से देखिए ए में आपको ए लगाना पड़ेगा, ऊपर में आपको ए लिखा होगा। वहाँ से देखिए मैं उंगली जहाँ से डाल रहा हूँ वहाँ से ए लिखा होगा और दूसरी साइड में आपका एक बी लिखा होगा और ए को ए के ए में और बी को बी में डालना होगा। उसके बाद आपको ए में ए को डालने के बाद वो थोड़ा फिक्स हो जाएगा। थोड़ा हल्की सी प्रेस होने के बाद उसमें स्क्रू डाल के आपको स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने उसको टाइट भी कर लिया हूँ और देखिए ये थोड़ा हिल नहीं रहा है, ज़्यादा टाइट मत कीजिए नहीं तो अंदर वाला हिस्सा टूटने के चांसेस है। हल्के से टाइट कीजिए आपको ज़्यादा पता चल जाएगा क्योंकि आप कैसे टाइट होता है, ज़्यादा उसको टाइट मत कीजिए क्योंकि बाहर से निकलने से आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए ये वाला बी वाला हिस्सा है, बी वाला हिस्से में ऊपर में देखिए बी वाला लिखा होगा। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों मैंने आपको फिक्स कर लिया हूँ, उसको आप किसी भी प्लेन सरफेस में आप उसको रख के चेक कर सकते हैं। पहले थोड़ा नीचे वाला हिस्सा चेक कर लीजिए हल्के से टाइट है कि नहीं, खुल के देखिए कोशिश कीजिए, खुल नहीं खुल रहा है तो ठीक है। अब देखिए मैंने उसको फिक्स कर लिया, इसी तरह से आप चाहते हो तो फिक्स कर सकते हो। इसी तरह से इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता हूँ मगर ज़्यादा व्यू नहीं होता। तो थैंक्स ए लॉट मेरे चैनल में देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक्स ए लॉट।